जय हिंद फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन मास्टर में सबसे पहले पूरे बिहार में प्रैक्टिकल के मामले में नंबर तीन पे ट्रेंडिंग में आप लोगों को लाने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो अगले साल यानी दो में एपीयर होने वाले हैं एग्जाम में तो उसमें होम साइंस का जो प्रैक्टिकल होगा उसकी हम कॉपी को कैसे लिखेंगे ओके okay, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम होम साइंस यानी गृह विज्ञान के प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें कि हमें फुल में फुल मार्क्स यानी कि तीस में तीस मार्क्स आप लोगों को मिल सके फ्रेंड्स तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं ओके okay? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इसमें कितने प्रैक्टिकल लिखने होंगे और प्रैक्टिकल लिखने वक्त क्या क्या चीज़ सावधानियां हम सबको बरतनी होगी और कौन सा प्रैक्टिकल किस तरह से हम लिखें और किस तरह के पेन का यूज करना है बॉल पेन यूज करना है जेल पेन कौन सा कलर का यूज करना है पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं ओके okay फ्रेंड्स तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तो फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैसे फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेलाइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो का अपडेट और, और बोर्ड एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चन का अपडेट सबसे पहले और सबसे जल्दी आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर पर मिलता रहे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो मार्केट से कॉपी लाइएगा वो इस तरह से कॉपी मिलेंगे आपके प्रकाशन कुछ भी हो सकते हैं जैसे और ये जो है बुक है और ये बुक आपकी इस कॉपी के अंदर ही मिलती है ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले हम कॉपी से समझ लेते हैं उसके बाद हम बुक से आप लोगों को बताएंगे कि क्या से प्रैक्टिकल लिखना है और कितने प्रैक्टिकल लिखना है ओके तो चलिए एक एक करके हम पहले बुक से नोटबुक से समझते हैं देखिए जैसे पहले पेज आप लोग ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ठीक तो सर्टिफिकेट के बाद उसके बाद थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना प्यारा नाम पुट कर देंगे उसके बाद क्लास क्लास आप ट्वेल्थ हैं तो ट्वेल्थ और आपका क्लास का जो रोल नंबर है उसमें यहाँ पे पुट कर देना है और एग्ज़ाम नंबर ओके और इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है ओके फिर उसके बाद देखिए कह रहा है दिस इज सर्टिफाइड टू बी बोनाफाइड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स इन द उसके बाद खाली स्थान है लेबोरेटरी प्रैक्टिकल लिख रहे हैं क्या चीज का होम साइंस का तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इन द होम साइंस लेबोरेटरी ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर दो हजार तेईस लिख देना है ओके उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सर्टिफाइड यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा आपका जैसे टोटल प्रैक्टिकल आपकी बुक में दिया हुआ है देखिए ये बुक है इसमें टोटल प्रैक्टिकल आपके सपोज दिए हुए हैं बीस भी। तो बीस में से अगर हम क्या लिख हैं बारह प्रैक्टिकल लिखते हैं या पंद्रह प्रैक्टिकल लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फिफ्टीन आउट ऑफ ट्वेंटी यहाँ पे अगर टोटल हम अभी बताने वाले हैं इस वीडियो में बुक के माध्यम से ओके तो इसलिए आप लोग प्लीज टेंशन कर लीजिएगा आउट ऑफ कितना अगर ट्वेंटी है टू ट्वेंटी इन द सब्जेक्ट ऑफ यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा आपका होम साइंस ओके और यहाँ पे छोड़ दीजिएगा टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पे क्या करना है आपको छोड़ देना है और जिस डेट में आप जमा करिएगा वहाँ पे उसका डेट फिलअप हो जाएगा ओके चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए जैसे पेज को पलटते हैं तो हमारा ये इंडेक्स दिखाई देगा इसमें क्या करना है आपको सीरियल नंबर पूरा पुट कर देना है जैसे वन टू थ्री फोर इस तरह से और देखिए नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आप जो एक्सपेरिमेंट लिखिएगा उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे जैसे हम देखिए बुक से देखते हैं ये हमारा हो जाएगा आपका बुक ओके यहाँ पे जैसे ही हम इसको बुक को क्या करेंगे पलटते हैं तो सबसे पहले देखिए समझ लीजिए बुक से ही पहले समझ लेते हैं देखिए इस तरह से बुक ओपन करिएगा तो आपका विषय सूची मिलेगा और यहाँ पे देखिए यूनिट दिया हुआ है यूनिट वन तो यूनिट वन में आपके कितने टोटल फाइव प्रैक्टिकल अभी हम आपको बताएंगे कि यूनिट वन से कितने प्रैक्टिकल आपको लिखना है टू से कितना लिखना है ओके तो देखिए यूनिट वन में आपके फाइव प्रैक्टिकल दिए हुए उसके बाद देख लेते हैं यूनिट टू यूनिट टू में आपके उसी तरह से एट प्रैक्टिकल है और यूनिट थ्री की बात करते हैं तो दो इधर हो जाएंगे और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल इधर हो जाएंगे कितने नाइन और टेन और यूनिट फोर की बात यूनिट फोर में हो जाएंगे प्रैक्टिकल आपका सेवन ओके okay? तो देखिए फ्रेंड्स जितना भी यूनिट है सभी यूनिट से आपको मिनिमम चार चार प्रैक्टिकल लिखना है जैसे वन आपका यूनिट है तो इससे हम क्या करेंगे फॉर प्रैक्टिकल लिख लेंगे जो भी आपको आसान लगेगा वो प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे लिख लेंगे देखिए नेक्स्ट यूनिट है आपका सेकंड्स सेकंड्स में आठ प्रैक्टिकल है तो आठों में से हम क्या करेंगे कोई चार अच्छा सा प्रैक्टिकल चूज करके और लिख लेंगे ओके अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका यूनिट थ्री तो यूनिट थ्री में टोटल प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो देखिए तो देखिए यूनिट थ्री में आपके टोटल प्रैक्टिकल दस हैं तो इसमें से भी हम चार लिखेंगे और इसमें से भी हम चार लिखेंगे तो इस तरह से चार यूनिट है और चार चार आप लोगों को प्रैक्टिकल लिखना है ओके तो टोटल हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल सोलह तो चलिए पहले समझ लेते हैं जैसे देखिए प्रयोग प्रयोग संख्या आपका यहां पे पे दिया हुआ है परियोग का नाम यहां पे फिल करने के लिए पहले हम समझ लेते हैं आप कॉपी पे समझ लीजिएगा नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यहां पे क्या फिल हो जाएगा तो देखिए ये आपका जो दिया गया है प्रयोग का नाम जैसे दिया हुआ है कि जीरो से तीन वर्ष के बच्चों को के शारीरिक विकास का अध्ययन तो ये चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में ओके okay? उसके बाद डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिस डेट में आप एक्सपेरिमेंट लिखेगा उसका डेट फिल हो जाएगा और पेज नंबर और डेट ऑफ सबमिशन और रिमार्क्स ये सबको आप क्या करिएगा खाली छोड़ दीजिएगा चलिए बुक से और अच्छे से समझते हैं देखिए फ्रेंड्स यहां पे जैसे यूनिट वन हम निकालेंगे तो यहां पे प्रयोग संख्या वन दिया हुआ है देखिए यहां पे एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको जीरो वन पहला एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं तो यहां पे जीरो वन पुट कर देना है उसके बाद जिस डेट में आप लिख रहे हैं वो डेट यहां पे पुट कर देना और पेज नंबर जीरो वन वन से शुरू कर दीजिएगा और यहाँ पे एक चीज का हमेशा याद रखेगा कि लिखते वक्त ब्लैक और ब्लू पेन का, यूज वो भी आपको बॉल पेन का यूज करना है जेल पेन का नहीं, ओके? तो देखिए पे का नाम लिखेंगे हेडिंग देंगे आपका ब्लैक से यहाँ पे लिखिएगा डार्क करके क्या चीज देखिए यहां पे यह चीज लिखा हुआ है प्रयोग का नाम ओके तो जितने सारे आपके ये ब्लैक हैं डार्क हैं इसको लिखने के बाद प्रयोग के नाम लिखने के बाद आवश्यक उपकरण तो आवश्यक एक लाइन मिनिमम दो लाइन आप छोड़ दीजिएगा ओके दो लाइन छोड़ के उसके बाद क्या करेंगे आपको ये लिखना है जो डार्क में दिया हुआ है आवश्यक उपकरण तो आवश्यक उपकरण में आपको क्या करना है डार्क में लिख कर और ब्लू से ये सब छोटा छोटा वाले लिख देना है फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ दो लाइन गैप कर देंगे और दो लाइन गैप करने के बाद क्या करना है आपको ब्लैक पेन से देखें ये सिद्धांत लिखा हुआ है सिद्धांत को लिख देंगे उसके बाद डैश देखें एक लाइन छोड़ कर नीचे से हम क्या करेंगे ब्लू पेन से हम लिखना शुरू करेंगे एक और जरूरी बात देखिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट अगर हम प्रैक्टिकल लिखते हैं और प्रैक्टिकल में उसके बाद हमें कुछ फिगर अगर होगी ओके okay, तो इस फिगर को हम क्या करेंगे ये हमारा जो व्हाइट पेपर होगा इस वाइट पेपर पे हम पेंसिल से इस तरह के फिगर को क्या कर देंगे हम ड्रॉ कर देंगे तो जितने सारे प्रैक्टिकल होंगे जिस प्रैक्टिकल में आपको फिगर दिखाई देंगे जैसे यहाँ भी आपके क्या है फिगर है यहाँ भी फिगर है तो ये सब फिगर को क्या करिएगा आप ये व्हाइट पेज जो दिया हुआ है तो इसी व्हाइट पेज में हम क्या करेंगे इस फिगर को कॉपी कर देंगे नीट एंड क्लीन विथ पेंसिल से ओके okay, तो इस तरह से हमें फ्रेंड्स टोटल सिक्सटीन सोलह पंद्रह या सोलह प्रैक्टिकल लेना है okay ओके फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास या आज की इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की वीडियो का अपडेट और बोर्ड एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट या वायरल क्वेश्चन का अपडेट सबसे पहले और सबसे जल्दी आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर पर मिलता रहे और साथ ही वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो प्लीज जुड़ जाएं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद